नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। गुडरिज की एक महिला लॉटरी जीतकर बहुत ज्यादा अमीर हो गई है और खास बात इसमें ये है कि उनकी तीसरी बार ये लॉटरी निकली है जब उन्होंने एक बड़ा पुरस्कार जीत लिया है, लेकिन पुरस्कार पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। रेणुकाबेन पटेल ने इंस्टेंट जायंट कैश स्टैक के साथ लगभग $3 लाख जीत लिए हैं। उन्होंने ओंटारियो लॉटरी और गेमिंग कॉरपोरेशन के एक समाचार विज्ञप्ति में बताया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं लॉटरी खेलती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा रोमांचक है। न सिर्फ इसलिए कि मुझे जीतने की उम्मीद होती है बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। टोरंटो में OLG प्राइज सेंटर पर अपनी जीत का पुरस्कार लेने आए रेणुकाबेन पटेल ने बताया कि जब मैं अपनी पिज्ज़ा ऑर्डर के लिए इंतज़ार कर रही थी तब मैंने एक इंस्टेंट टिकट खरीदा। रिटेल सेल्स पर्सन ने मुझे नया जायंट कैश स्टैक खेलने के लिए सलाह दी तो मैंने इसे आजमा लिया। मैंने अपनी टिकट को लॉटरी टर्मिनल पर वैध कराने के लिए दिया, तभी अचानक से मुझे OLG का फोन आया। मैं इतनी ज़्यादा हैरान हो गई, मैंने शाम को अपनी बेटियों को एक खुशखबरी बताने का फैसला किया। रेणुकाबेन पटेल ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं लॉटरी खेलती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा रोमांचक है, न कि मुझे इसमें जीतने की उम्मीद होती है। इसके अलावा उन्होंने आगे बताया, इंस्टेंट जायंट कैश स्टैक गेम #2441 के साथ एक बड़ा पुरस्कार उन्होंने जीत लिया है। रेणुकाबेन पटेल जो कि निर्माण क्षेत्र में काम करती हैं, पिछले 2 सालों से OLG के साथ लॉटरी टिकट खरीद रही हैं, लगातार लॉटरी वो खेल रही हैं। ऐसे में उन्हें इंस्टेंट गेम्स खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इस दौरान उन्हें कई शानदार जीतें भी मिली हैं। उन्होंने 2023 में इंस्टेंट बिग स्टैक के साथ लगभग $2,000 और इंस्टेंट जैकपॉट मल्टीप्लायर के साथ लगभग $10,000 जीतने का अनुभव भी है। जब उनसे पूछा गया कि वो अपनी इस बड़ी जीत के साथ अब क्या करेंगी तो रेणुकाबेन ने कहा कि मेरे पास अभी तक कोई भी प्लान नहीं है, मैं तब तक इंतज़ार करूंगी जब तक मैं इस जीत में व्यवस्थित नहीं हो जाती और पैसे बैंक में नहीं आ जाते। मैं दिवाली मनाने के लिए बेहद एक्साइटेड हूँ। और जीत के बाद रेणुकाबेन ने उनके परिवार के साथ इस खुशी को भी शेयर किया और साथ ही साथ बताया कि उनको लॉटरी खेलना कितना ज़्यादा पसंद है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें NBT इंटरनेशनल।